बीजेपी ने एक नई शुरुआत की है। अब नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज एक साथ बैठकर लंच करेंगे। अपने अपने घर से लाए गए टिफिन से ही लंच होगा और इस दौरान कार्यकर्ताओं की परेशानियों को जानने की कोशिश भी होगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने लोकसभा क्षेत्र से इस अभियान का आगाज कर दिया है। इस सहभोज से बीजेपी को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भाजपा में नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं में एक अपनत्व का भाव होता है, एक प्रेम का भाव होता है, इसलिए नेतृत्व सहज भाव से जमीन पर बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से टिफिन बैठक करता है, भोजन मंत्र पढ़ता है और उनसे चर्चा करता है। यह भाजपा में संभव है। क्या आपने कभी देखा कि कमलनाथ जी कभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतने साधारण तरीके से घरों से टिफिन बुलवा के बैठे हो, जमीन पर बैठे और उनके साथ खाना खाया और ऐसे सहज भाव से चर्चा करी? अब कांग्रेस के नेता अहंकारी घमंडी होते हैं तो जमीन पर ही नहीं बैठते क्योंकि हवाई चलने वाले नेता है और न वो किसी के घर का टिफिन खा सकते हैं, वो तो फाइव स्टार होटल का खाना खाने वाले लोग हैं, वो बैठते भी हैं तो पुलिस सुरक्षा में बड़ी दूर घेरा बना के बैठते हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा में ही भाव है और लगातार इस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम सब दूर इस तरह की टिफिन बैठके का आयोजन हो रहा है। देखिए, टिफिन पॉलिटिक्स भाजपा का अपना एक काम हो सकता है, लेकिन टिफिन साथ मिलाने से दिल नहीं मिलते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह की दूरी अब भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है, कार्यकर्ता बहुत निराश है, कार्यकर्ता हतोत्साहित है। जिस तरह से इन्होंने रेवड़ियां बांटी हैं, अपने अपनों को पहचान पहचान के चीन के उन्होंने 5 साल 15 साल में खूब पैसा कमाया है, तो कुछ कार्यकर्ता इतने निराश और दुखी हैं कि वो संगठन से बहुत अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा एक पॉलिटिक्स के तौर पर, टिफिन पॉलिटिक्स के तौर पर टिफिन मंगा के खाना खाने का, तो टिफिन भी उनका ही मंगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का खाना भी उनके साथ खा रहे हैं, इससे कोई संगठन मजबूत तो नहीं होगा, इससे फायदा भी नहीं होगा। भोपाल का रुख कर लेंगे, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सियासत का चरित्र ही ऐसा होता है कि हमें नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। डिनर पॉलिटिक्स हमने देखी, लंच पॉलिटिक्स हमने देखी, अब हम देखेंगे टिफिन पॉलिटिक्स। बिल्कुल सुमित, चुनाव का साल है और चुनाव के साल में कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करना चाहता, या ये कहें कि जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको वापस मनाकर अपने साथ लाना चाहता है। और यही कारण है कि चाहे कांग्रेस हो या तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी रहती है। और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी ने जिस तरीके से अभी कुछ दिनों की, चाहे बुंदेलखंड के इलाके की बात हो, मालवा की हो, या फिर ग्वालियर चंबल संभाग से जिस तरीके से उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि चुनाव के ऐलान हो उसके पहले इन सारे कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कर लिया जाए। तो ऐसे में अब जिम्मेदारी जो है वो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, जो उस इलाके के बड़े नेता हैं, उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में वह जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकर सहभोज करेंगे। यानी जो लोग कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने घर से टिफिन लाएंगे, नेताजी भी अपने घर से टिफिन लाएंगे और सारे लोग बैठकर एक साथ भोजन करेंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है इसमें नाराजगी दूर करने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपसी सामंजस्य को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, आपसी प्रेम को और कैसे बढ़ाया जाता है, ये बीजेपी की संस्कृति रही और उसी संस्कृति के तहत वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके उलट अगर विपक्षी दल की बात करते हैं तो कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है, कह रहे हैं कि टिफिन तो साथ मिल जाएंगे लेकिन दिल नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा हुई है उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता परेशान है और बीजेपी अब उनको मनाने के प्रयास जरूर कर रही है अलग अलग माध्यम से, लेकिन उन्हें इस मामले में कोई सफलता नहीं मिलेगी। अब देखना होगा कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और जब चुनाव आते हैं तो जो विरोध के स्वर, जो नाराजगी के स्वर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के सुनाई पड़ रहे हैं, तो क्या वो धीमे पड़ते हैं या फिर ये अपनी ही पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चुनावी साल में दंतेवाड़ा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने गोडसे को भारत का सपूत करार दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वो भारत में ही पैदा हुए, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा लिया है, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता।
गिरिराज सिंह के बयान पर प्रदेश में सियासत गर्म है। मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने निशाना साधा है उन पर और कहा है ये लोग गोडसे को मानने वाले हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी की बुनियाद ही गलत हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद ही गलत हुई है, जहां से इस प्रकार के नेता पैदा हो रहे हैं, जो महात्मा गांधी जी को मारने वालों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, ये इस देश के लिए घातक है। और ऐसे लोगों का भारतीय राजनीति में कोई ना स्थान है ना कोई महत्व मिलेगा उनको। जो गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है वो ये तो गोडसे के मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी वाले विचार में चलने वाले लोग हैं जो सबके साथ मिलकर चलने वाला है, बिल्कुल मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी तो ये कुछ भी बयान दे रहे हैं। उनको लगता है आपको बीजेपी को माफी मांगना चाहिए उनको बिल्कुल। तो उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर बीजेपी ने समर्थन किया है। ये युवराज सिंह जी का बयान है, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बाबर औरंगजेब का समर्थन करते हैं, उन पर से ये उनकी प्रतिक्रिया है कि वास्तव में वो बाहर के लोग थे, यही उनका कहने का सार था। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय